हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर है और आप यूट्यूब पर वीडियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप वीडियो बना भी लेते हैं, रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में बारी आती है एडिटिंग करने की, तो हम लोग को एडिटिंग चाहे तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस समय तो हम लोग मोबाइल से भी जो एडिटिंग लैपटॉप में होते हैं, बहुत से जो फीचर्स होते हैं, हम लोग मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को एक ऐप आता है काइन मास्टर, जिसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। और काइन मास्टर के बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में जानने वाले हैं कि इस ऐप को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं और कैसे हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। सो फ्रेंड, वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे लगा सकते हैं अपना, उसमें वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, जो वीडियो होता है उसको हम लोग ट्रिम कैसे कर सकते हैं, स्प्लिट मतलब दो भाग में कैसे उसको मतलब कैसे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, और इसके आगे और भी कुछ पॉइंट्स देखने वाले, जैसे कि जो ऐड और टेक्स्ट होता है उसको हम लोग टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, वॉइस कैसे एडिट कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो ग्रीन बैकग्राउंड होता है उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा, और लोगो भी हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। और जो एक्सपोर्ट होता है इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वीडियो रेंडर करके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, हम लोग को सिंपली करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना, अपना जो काइन मास्टर ऐप है इसको सिंपली हम लोग क्लिक करना है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस वाला साइन दिख रहा है इस पर हम लोग को सिंपली क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हम लोग का प्रोजेक्ट है, किसके लिए हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, मतलब वीडियो रेंडर किसके लिए करना चाहते हैं। जैसे हो गया यूट्यूब के लिए कौन सा फ्रेम होगा, इंस्टाग्राम के लिए कौन सा फ्रेम होगा, फेसबुक के लिए कौन सा फ्रेम होगा, इसमें जो भी फ्रेम मतलब होता है जिसके लिए रिक्वायर इसमें दिया है। तो यूट्यूब के लिए हम लोग को वीडियो बनाना है तो सिंपली इसके लिए जो भी फ्रेम रिक्वायर होता है वो होता है 16:9 का फ्रेम, तो इस पर हम लोग सिंपली क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह तो हो गया हम लोग को मतलब कैसे हम लोग को कौन सा फ्रेम किस वीडियो के लिए क्लिक करना है, किस सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह मतलब इसको काइन मास्टर को हम लोग ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, चलिए देखते हैं। इसके बाद दोस्तों, मान लीजिए हम लोग को जो वीडियो हम लोग यहाँ पर जो भी वीडियो हम लोग ऐड किए हैं, मान लीजिए इसमें कुछ वीडियो ऐसा है जो हम लोग के काम करना है, इसको हम लोग को क्या करना है, ट्रिम करना है, मतलब काट के इसको निकाल देना है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रिमिंग वीडियो। तो इसको हम लोग क्या करना है, वीडियो पर जहाँ तक हम लोग क्लिक कर लेते हैं और सीधे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर कैंची का ऑप्शन दिख रहा है, इससे हम लोग वीडियो काट सकते हैं। कपड़ा काटने के काम तो आता ही है, लेकिन इससे हम लोग वीडियो भी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सिंपली इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ द प्ले हेड, मतलब लेफ्ट साइड का इससे काट सकते हैं, और नीचे वाले पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड का, मतलब जी जहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ब्लू है, ब्लू के राइट साइड का कट जाएगा अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो, और इस साइड का अगर ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड का कट जाएगा। और यहाँ पर हम लोग को मान लीजिए बीच का क्लिक करना है तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं वीडियो। और यहाँ पर कट करने के बाद मान लीजिए हम लोग को यह वाला वीडियो हटाना रिमूव करना है तो इस पर क्लिक कर लेंगे, ऐसे हम लोग यहाँ से डिलीट का ऑप्शन चूज कर लेंगे। मान लीजिए इसके बाद हम लोग इसके राइट साइड के मतलब जो भी राइट साइड के वीडियो इसको हम लोग को डिलीट करना है तो यहाँ पर ऐसे हम लोग क्लिक करेंगे राइट साइड के वीडियो, देखते हैं आप लोग डिलीट हो चुका है। तो ऐसे हम लोग चाहे तो जो भी वीडियो है उसको हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं, मतलब ट्रिम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए हम लोग को कोई भी अगर टेक्स्ट ऐड करना है, मतलब हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि वेलकम टू माय चैनल, ऐसे मतलब कुछ भी लिखना है तो हम लोग इसको भी चाहे तो आराम से लिख सकते हैं। कैसे, लेयर पे ऐड कर, लेयर को क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जैसे हम लोग को लिखना है वेलकम टू ड्रीम पॉइंट, क्लिक करने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिख चुका है वेलकम टू ड्रीम पॉइंट। यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर जितना दूर तक चाहें उतना दूर तक हम लोग ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग को इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं रेड हो चुका होगा, यहाँ पर रेड हो चुका है। अब यहाँ पर जाए तो यहाँ पर एनिमेशन भी बहुत सारे लगा सकते हैं, मतलब अगर सिंपली देखें आप लोग वीडियो को प्ले करें यहाँ से तो देख सकते हैं आप लोग सिंपली यह दिखाई दे रहा है वेलकम टू ड्रीम पॉइंट। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देख सकते हैं इन एनिमेशन, तो यहाँ पर फेड अप, पॉप अप, मतलब कुछ भी यहाँ पर जैसे चाहे स्लाइड, राइट से स्लाइड होगा,
लेफ्ट से स्लाइड होगा यहाँ पर, और इसका स्पीड भी आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब कितना स्लो होगा स्लाइड या कितना फास्ट होगा। यहाँ पर स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं चाहे तो आसानी से, कोई उतना कठिन काम नहीं है। तो ऐसे चाहे तो आप जो भी अपना टेस्ट है उसको आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मान लीजिए हम लोग को अंत में कुछ भी जोड़ना है, कुछ भी ऐड करना है टेस्ट रिलेटेड, यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे और टेस्ट पर क्लिक करेंगे और उस पर ऐड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगर चाहे आप तो इसमें जो वीडियो का वॉइस है उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत क्या बहुत सारे एडिट कर सकते हैं। वीडियो पे क्लिक करेंगे जिसका वॉइस चेंज करना है हम लोग को, और नीचे आएंगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वॉइस चेंजर का ऑप्शन दे रहा है। वॉइस चेंजर का ऑप्शन पे आप लोग सिंपली या तो नॉर्मल पे रहता ही है, नीचे आप लोग टू फेस्ट पे करेंगे तो आप उस पर करके आप ऐसे मतलब जो भी चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग इस आवाज को सुन सकते हैं। आप लोग चाहे तो ऐसे जो भी मतलब वॉइस चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे चेंज करना होगा आप लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं सिंपली। और यहाँ पर वॉइस अगर ऐड करना है ऊपर से, मतलब जो भी वॉइस है इसको लगाना है आपको बाहर से, इसका वॉइस वीडियो का वॉइस नहीं चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, चाहे तो यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं वॉइस यहाँ से चाहे तो। हम लोग को वॉइस तो रिकॉर्ड करना नहीं, अगर चाहे तो अगर पहले से वॉइस रिकॉर्ड है या कोई भी मतलब म्यूजिक आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऑडियो पर जाकर यहाँ पर जो भी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से जो भी मतलब वॉइस से रिलेटेड जो भी सेटिंग है यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आने वाला है हम लोग का बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा एडिटिंग क्या है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए हम लोग को यहाँ पर हम लोग को बेल आइकन लगाना है, सब्सक्राइब बटन लगाना है, जो भी चीज़ है इसको हम लोग को ऐड करना है, और वह इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन उसके साथ दिया हुआ है। तो हम लोग अगर ग्रीन स्क्रीन हटाना है तो हम लोग कैसे हटा सकते हैं, सिंपली बहुत ही ईजी है इसको हटाना कैसे, चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले अपना जो भी ग्रीन स्क्रीन है उसको हम लोग यहाँ पर ला लेंगे लेयर की सहायता से, और लाने के बाद यहाँ पर एनिमेशन आप लगा सकते हैं, एनिमेशन मतलब कैसे या एंट्री इसका होगा, कैसे इसका आउट मतलब कैसे बाहर जाएगा, तो आउट एनिमेशन, इन एनिमेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ओवर एनिमेशन मतलब कैसे पूरा इसका ओवरऑल एनिमेशन होगा। तो ग्रीन स्क्रीन हम लोग को हटाना है, मेन काम हम लोग का क्या है ग्रीन स्क्रीन। तो क्रोमा की के मदद से हम लोग चाहें तो इसका ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हैं, तो क्रोमा की पर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम लोग इनेबल कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर की कलर हम लोग का क्या है ग्रीन है, तो हम लोग का जो भी ग्रीन कलर है यहाँ पर वीडियो में वो हम लोग का क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग का फिनिश हो गया कि नहीं, यहाँ पर वीडियो प्ले करेंगे हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ग्रीन स्क्रीन था वह हम लोग का रिमूव हो चुका है, और जो हम लोग का मेन चीज़ था वह हम लोग का हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसको चाहे स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप मतलब अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग चाहे तो ग्रीन स्क्रीन अपना जो भी है इसको रिमूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड आई थिंक लास्ट टॉपिक होने वाला है इस वीडियो में क्या होने वाला है, कि जो वीडियो है हम लोग तो इसको आराम से मतलब एडिट तो कर लिए, आप चाहे तो इसको और एक्सप्लोर करके मतलब इसमें जो भी चीज़ें हैं इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने मन से, इतना तो आपके लिए काफ़ी है, बहुत बड़ा चीज़ कोई नहीं है बाद में, तो इतना कुछ तो हो गया। लेकिन हम लोग को वीडियो गैलरी में कैसे सेव करना है ये मेन दिक्कत है, तो इसके लिए भी कोई मेन दिक्कत नहीं है। हम लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो भी कॉर्नर में आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन, यहाँ से हम लोग को क्या करना है, बहुत से यहाँ पर सेटिंग मिल जाते हैं मतलब हम लोग को वीडियो डाउनलोड एक्सपोर्ट करने का। अब यहाँ पर 1080 पे डाउनलोड कर सकते हैं, HD में 720 पिक्सल पे डाउनलोड करते हैं, MP4 भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए 720 पे डाउनलोड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और फ्रेम रेट इसका 30 रन देते हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर इसका जो क्वालिटी है यहाँ पर से लो और हाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे हम हाई करते हैं तो इसका MB अबाउट इसका जो स्पेस है 162 MB हो गया है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसका स्पेस भी बढ़ता जाएगा, इसको कम करेंगे तो कम होता रहेगा। तो मान लीजिए हम लोग इतना पर इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस सो फ्रेंड इस तरह से आप चाहें तो काइन मास्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतने सारे इसमें फीचर्स आपको दिखते रहेंगे, आप इसको मतलब कुछ बार यूज करेंगे उसके बाद आप यूज्ड हो जाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से इसको आप मतलब चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ
समय तक मतलब इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अब जैसे ही यूज़ टू हो जाएंगे इसका कोई मतलब पूरा फीचर आप जान जाएंगे कैसे क्या करना है। सो फ्रेंड अगर चाहें तो आप काइन मास्टर का जो नीचे वाटर मार्क आ रहा है इस वाटर मार्क को भी आप रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं इसका एक आइडिया क्या है, आप चाहें तो इसको प्ले स्टोर से ना डाउनलोड करके इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जैसे ही उसको ऐप को डाउनलोड करेंगे इसका जो वाटर मार्क रहेगा वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।